तो आरजेडी वाले इनके साथ बैठ के लालू जी भी उस समय जेल में थे। ऐसी कौन सी मजबूरी है इमरजेंसी थोपने वालों के साथ आपको गठबंधन जरूरी है? बहन मीसा जी हैं, इनका तो जन्म ही मीसा एक्ट के दौरान हुआ। जनसंघ के जेल गए थे संविधान को बचाने के लिए और इमरजेंसी के खिलाफ हमारे नेताओं ने आवाज उठाई थी। देश में मीसा थोपा गया तो मीसा जी का जन्म हुआ। इसकी भरते सावन का अंतर घट रीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया, ना जाने कितने लोगों की जान ली गई। हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। कहते थे ईवीएम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब मैं सभी सांसदों से पूछना चाहता हूं, विपक्ष के, क्या ईवीएम ठीक थी कि नहीं? नेता जनसंघ के जेल गए थे संविधान को बचाने के लिए और इमरजेंसी के खिलाफ हमारे नेताओं ने आवाज उठाई थी। और माननीय अध्यक्ष जी, माननीय स्टालिन जी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उस समय जेल में थे। आज तो सपा वाले कांग्रेस के साथ बैठ गए, मुलायम जी भी उस समय जेल में थे। आज तो आरजेडी वाले इनके साथ बैठ के लालू जी भी उस समय जेल में थे। ऐसी कौन सी मजबूरी है इमरजेंसी थोपने वालों के साथ आपको गठबंधन जरूरी है? अब आप लोकतंत्र बचाने की बात करते हो। और यही नहीं, मीसा जी, बहन मीसा जी हैं, इनका तो जन्म ही मीसा एक्ट के दौरान हुआ। देश में मीसा थोपा गया तो मीसा जी का जन्म हुआ। ना जाने कितने लोगों का जान ली गई। हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं, इन्होंने अनेकों मैं अटल जी की दो लाइनें कहना चाहता हूं। जो एक साल जब इमरजेंसी का हुआ तो उन्होंने क्या कहा था, जुसलाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतर घट रीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया। सिंचों में सिमट राजग, किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गूंज मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया। ये हमारे नेताओं ने अपनी, आप ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, कहते थे ईवीएम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब मैं इन सभी सांसदों से पूछना चाहता हूं, विपक्ष के, क्या ईवीएम ठीक थी कि नहीं थी? ईवीएम ठीक थी कि नहीं थी? माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में चुनाव में इस बार 30% वोट पहले से ज्यादा पड़ा। ये लोकतंत्र की जीत हुई है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहां पर अलगाववाद, आतंकवाद पर नकेल कसी गई। जो नेहरू जी की गलती थी धारा 370 देकर और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बनाकर कांग्रेस ने गलतियां की, उसमें सुधार, धारा 370 को सदा सदा के लिए खत्म किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। आज वहां पर रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहा है, रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है, रिकॉर्ड निवेश जा रहा है, और अब तो अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो गई है। जय अमरनाथ, जय भोलेनाथ। और माननीय अध्यक्ष जी, देश के लिए आर्थिक शक्ति और सैन्य शक्ति बहुत जरूरी है। हमारी सरकार बनते सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण मोदी सरकार ने शुरू कर दिया, और मैं कहना चाहता हूँ आपकी सरकार के समय भारत को दुनिया का सबसे बड़ा